खरगोन जिले में अवैध मदिरा के विरोध चलाए जा रहे अभियान के तहत कलेक्टर के आदेश एवं आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार जिले में वृत्त कसरावत के संवेदनशील ग्राम भिलगांव में अल सुबह से कार्यवाही कर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की। वृत्त प्रभारी देवराज नगीना आबकारी उप निरीक्षक द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत 8 प्रकरण दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही में कुल 165 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई एवं 24,000 किलोग्राम महुआ लहान विधिवत नष्ट किया गया। जब्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 12,20,000 रुपए है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये जो आज आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, इसमें किन किन जगह की गई है, कितने लाख की शराब पकड़ी है और कितने आरोपी पकड़ा है? आज दिनांक को खरगोन जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके इसी कार्यक्रम में श्रीमती अनुग्रह श्री कलेक्टर मैडम एवं श्री सहायक आबकारी जिला खरगोन के निर्देशानुसार व्रत कसरावत महेश्वर सनावत बड़वा भिकनगांव एवं खरगोन साख के संयुक्त आबकारी दल के द्वारा एक बड़ी टीम के द्वारा आज संवेदनशील ग्राम जो कसरावत के पास में स्थित है भिलगांव, वहां पर स्थित अवैध शराब मदिरा हाथ भट्टी मदिरा निर्माण के अवैध अड्डों पर जो आज बड़ी कार्रवाई को अल सुबह से आज की गई है और इस कार्रवाई में कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं और श्री बसंत कुमार बीटे सहायक जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई आज की गई है। इसमें 8 कुल प्रकरण बनाए गए हैं, 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इन सभी प्रकरणों में कुल मिला के 165 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा बरामद हुई है और लगभग 24,000 किलोग्राम महुआ लहान पर विधिवत नष्ट किया गया है। इसकी लगभग कीमत कितनी होगी? इसकी लगभग कीमत 12,15,000 के करीब है। टोटल सामग्री और महुआ लहान अवैध मदिरा जब्त हुई सभी की। इसमें कोई वाहन भी जब्त किए सर? नहीं, आज कोई वाहन की जब्ती नहीं हुई है। 4 इसमें आरोपी हैं नामजद जिनको गिरफ्तार किया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सर, शासन के द्वारा जो अंग्रेजी शराब देसी शराब दुकान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।